बुजुर्गो माओ ते भैनो भराओ ते संगियो दोस्तो बेलीए ते मित्रो तुहानू अमर शहजाद दिल की गहराई तो प्यार ते खलूस नाल सलाम पेश करदा ते डीएम चस्का प्रोग्राम लेके तुहाडी खिदमत विच हाजिर होया। इस उम्मीद ते यकीन नाल तुसी सारे खैर नाल होगे, ठीक ठाक होगे, रब दा बड़ा तुहाडे ते फजलो करम होएगा। अगर खुदा ना खास्ता तुसी बीमार हो ते असी दुआ करांगे, असी अपने नादरीन नूं कहांगे दुआ करन कि रब सोहणा जिहड़ा उह तुहाडी सेहत अच्छी तो अच्छी करे ताकि तुसी साडे प्रोग्राम सही तरह इंजॉय कर सको। ते साडा इह प्रोग्राम जिहड़ा डीएम चस्का है इहदे विच साडे दो बहुत ही प्यारे जे मेहमान हुंदे ने, लेकिन अज वी दो मेहमान ने, लेकिन उह मेहमानां विच फर्क है थोड़ा, क्योंकि साडे इत्थे कोई तुहाडे नाल गल होएगी पता चल जाएगा कि असी किस मेहमान की गल करते हैं। बरकैफ साडे प्रोग्राम विच डीएम चस्का विच जनाब मौजूद ने बाबा रहमत साहब ते जनाब साडे डायरैक्टर शफीक रहमान साहब। असी तुहानू दोवां नू खुश आमदीद कहिंदे आ, जी आयां नू कहिंदे आ, जी सदके कहिंदे आ, जी वारी कहिंदे आ सर तुहाडे प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी शफीक साहब, बाबे जी कोल की पुछां, मैं तुहाडे कोलों पुछना मुनासिब समझांगा कि इन्होंने कोई होर भसूड़ी पा देनी, क्योंकि जो कुछ मैं देखिया ना आंदे इत्थे प्रोग्राम करन जदों आया ते तुसी शायद मेरे तो पहले मौजूद सी ते ओ प्रोफेसर कन्फ्यूज साहब दा की होया जी? मैं देखिया जी इत्थे मैं आया ते बाहर एक रेहड़ी लगी सी अमरूदां दी। अच्छा ते बाबे होनी ते दोवें ही उत्थे अमरूद वेख रहे थे। अच्छा मैं कहा बाबे जी की कर रहे हो? अच्छा कहिंदा मैं अमरूद वेखना पिया सी ते इक अमरूद कट्टिया ते विचों कीड़ा निकल आया। अच्छा जी। ते ओ रेहड़ी वाले नाल लड़दे पए सन कि जी विचों ते कीड़ा निकल आया। अच्छा जी। ओ रेहड़ी वाला कहिंदा जी अपनी अपनी किस्मत, कल एक बंदे दी विचों फ्रिज निकल आई। अच्छा ये हुण कह रहे थे जी मेरी मोटरसाइकिल निकलनी चाहिदी है। कौन कह रहे थे? फड्डा पा रहे थे। कौन कह रहे थे? ये अपने बाबे होनी। मैं उन्हें कहा भाई मोटरसाइकिल निकलनी चाहिए है, भाई मैं जेड़ी मोटरसाइकिल ते बह के सारे इंग्लैंड दी सैर करा। मैं बड़ा समझाया बाबे होना नू कि अमरूदा चो मोटरसाइकिल कित्थे निकलदी है जी, कदी ओदी कोई किस्मत वाला होना जिहदी फ्रिज निकल आई। अमूमन कीड़ा ही निकलता जो भी निकले, कीड़ा ही निकलता है। कहते जी मैं कीड़े नू इंजन लवा के तो उधर बह के टुर पवांगा। अरे मां कई दफा मैं कीड़ी ते सफर किया। अच्छा आ जिहड़ा आ भी ओ अमरूदा वाले दे नाल रलिया होया सीगा। अच्छा शफीक साहब दोवें रल के बड़ी मुश्किल नाल मैं उन्हां नू बचा के समझा के लैके आया। कितने बैठ के शफीक साहब समझा के लैके आया। उन्होंने कहा उत्थे टीवी स्टेशन ते चल के बैठने है। अच्छा ते मैनूं कहंदे जी ओ अपना सखर जाएगी। मैं को टीवी स्टेशन है। अच्छा नहीं वो सखर कितों जाएगा, पूरी दुनिया च जाएगा? नहीं वो तो ठीक है, पर मैनूं दसो प्रोफेसर कंफ्यूज नस क्यों गया है? उन्हां दा प्रोग्राम सी शामिल होने की दावत दी हुई सी। मैं वो बस ये अपना ये बाबे होना ने डांग कढ़ी है ना जदों बाबा डांग शिवी साहब बाबा डांग नहीं किया जी। नहीं 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 प्लीज बाबे होना ने जो डांग कढ़ी हुण ठीक है बाबा जी कह रहे बाबा जी बाबा जी यही फड्डा इन्होंने रेहड़ी वाले नाल पाया सी। ओए होए होए ओ बाबा जी ओ उम्र इन्नी होगी तुहाडी, मुंह दंद को नहीं रहिंदा, बाल सारे सफेद ने, वो कम से कम होण ते कोई थोड़ी अक्ल कोल कम लो। और मैनू यह दसो वो प्रोफेसर ने नसा दिता है तुसी? आई उन्होंने तो बुलाया है एक वो अमरूदों जी कभी स्कूटर निकले? अच्छा जड़ी तुसी दंदा दी गल कीती। अच्छा जी वो कल उत्थे पेस्ट लभी जाण। मैं कहा बाबा जी तुहाडे मुंह च दंद ही नहीं, तुसी पेस्ट की करनी? बिल्कुल जेब चो कढ ले दंद कहंदे आ की आ देखो थोड़ी नाल इहनू खड़का के वेखो। हां पक्के नहीं आ हुण देख ले आ डाक्टर बड़ा समझदार सी, उहने बड़े पक्के एल्फी दे नाल लाया, एल्फी दे नाल। अच्छा जी आ दंद डिग नहीं सकदे? नहीं डाक्टर नूं पता सी बाबा जी और मुंह ते चुप बंद रखदे नहीं। मैं इहनां दंदां नाल कई दफा खोता चुक्या।